पंजाब नेशनल बैंक लूट में शामिल दोनों आरोपियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप। गैर तलब रहे कि लगभग 9 दिन पहले चौकी बाग बहादुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने शातिर लुटेरों ने एक बुजुर्ग से 4,15,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद रविवार को बैंक में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए कल पुलिस ने दो आरोपियों को धर दबोचा। वहीं पेशी पर ले जाने से पहले इन शातिर मुजरिमों की कोरोना सैंपलिंग कराई गई थी, तो आज इन दोनों आरोपियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इन दोनों आरोपियों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि कोविड-19 के नोडल अधिकारी भूदेव सिंह ने की है। वहीं उन्होंने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को केडी मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका उपचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मंच न्यूज। ट्रायल के मुलजिम थे जो पेशी बजाने से पहले उनका जाँच कराई, वो पॉजिटिव मिले। कौन से मुजरिम थे वो बता। कल किसी एक पंजाब नेशनल बैंक की घटना से संबंधित थे, तो एक 51 वर्षीय और एक 19 वर्षीय, दोनों को जब चेक कराएगा तो दोनों कोविड पॉजिटिव पाएंगे। पंजाब बैंक लूट में शामिल थे दोनों आरोपी। दोनों आरोपी क्या व्यवस्था की गई है उनको? दोनों को KM मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया।